कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर की सदर मुंतखब होने पर इनके एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इन्हें तहनियत पेश की गई। ये तकरीब रविंद्रा भारती ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई थी, जिसमें रियासत के वुज़रा पूनम प्रभाकर, सीता अक्का, रुकन असेंबली, रुकन काउंसिल्स और दूसरों ने शिरकत की। इस तकरीब में शरीक रुकन कानून साज काउंसिल जनाब आमिर अली खान ने अपने खिताब में महेश कुमार गौर को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और इस तकरीब के इनेकाद के लिए वी हनुमंत राव को भी मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कानून साज काउंसिल जनाब आमिर अली खान ने कहा कि तेलंगाना का क्याम सोशल जस्टिस पर अमल में आया है। तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही थी, इसको देखते हुए मोहतरमा सोनिया गांधी ने अलायदा रियासत तेलंगाना का क्याम अमल में लाया। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज कास्ट सेंसस की बात हो रही है और इसकी गिनती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को रियासत में मजीद परवान चढ़ाने का काम TPCC सदर महेश कुमार गौड़ के जिम्मेदार कंधों पर जाता है। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान ने हुकूमत तेलंगाना की 6 गारंटी की तारीफ करते हुए कहा कि SC ST माइनॉरिटीज़ को इन स्कीमों से काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। पेश है इस खसूस में इस तकरीब के कुछ झलकियाँ और मुखर्रीन के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। पूनम प्रभाकर साहब, TCC प्रेसिडेंट केशवराज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित रेड्डी साहब और कोटेराम साहब, शंकर राव साहब और दीगर बड़े बड़े लीडर जो स्टेज पे मौजूद है। तेलंगाना जो फॉर्मेशन जो हुआ था तेलंगाना का, वो सोशल जस्टिस के ऊपर हुआ था। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी जो रिकॉर्ड की गई थी, उसी बेसिस के ऊपर तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था। इसीलिए जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज कास्ट सेंसस की बात होने का है, कास्ट सेंसस की गिनती होना चाहिए, इसलिए कि उसी में मालूम होगा कि अभी मेरे से पहले जिसने कहा कि BC बैकवर्ड क्लासेस, उसकी इस्तेला जो मेंटल स्ट्रेस में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको हटाने के लिए नई इस्तेला दी गई। BC का मतलब ब्रिलियंट कास्ट, SC का मतलब या ST का मतलब स्पेशल ट्राइब हो। इन चीजों को लेकर तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को यहाँ पे बढ़ाने का जो काम है, वो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी महेश कुमार गौड़ साहब के कंधों पे आई है। कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे ऑलरेडी जो 5 स्कीमें जो नाजिक यहाँ पे शुरू की हैं, उसी से हर एक को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो SC ST BC माइनॉरिटीज को इस स्कीम से फायदा हो रहा है। इसी के तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं आज महेश कुमार गौड़ साहब को हनुमंत राव साहब की तरफ से इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने पर दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ఒక బీసీ వ్యక్తి వచ్చారని తప్పనిసరిగా సపోర్ట్ చేశారు, దానికి రేవంత్ రెడ్డి కూడా సపోర్ట్ చేశారు. మిత్రులారా, ఇది సదవకాశం. ఇవాళ ఒక కార్యకర్త అంటే మీరు కూడా పని చేయమని చెప్తున్నా. ఇప్పుడే మా పొన్నం కలెక్టర్ చెప్పిండు, లీడర్ ఎవరు దిగితే ఏం దొరకదు, పని చేస్తే దొరుకుతుంది. మనందరికీ అభినందనలు అందుకుంటూ రాబోయే కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలిచినటువంటి SC ST BC పార్టీలో అధికారంలో సరైన విధంగా అవకాశాలు రావడానికి తన బాధ్యత నిర్వహించడానికి ముఖ్యమంత్రితో 2 గవర్నర్లాగా కలిసి ముందుకు నడిపేటువంటి వ్యక్తిగా నియమింపబడినటువంటి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి ఈ సందర్భంగా ఒకసారి కట్టి అందరూ తప్పకుండా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం.